हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ मॉम्स होम किचन में। आज मैं आपको देसी टैकोस बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से घर के कुछ बचे हुए सामान से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं, बहुत पसंद आएगा आपको। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच करना ना भूलें मेरे न्यू अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट प्रिपरेशन करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने पैन गैस पर रख दिया मीडियम फ्लेम पर। यहाँ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, मैं 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। आधा चम्मच राई, इन्हें क्रैकल होने देते हैं थोड़ा। अब मैं यहाँ पे 1 चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ। इसे 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेते हैं। अब मैं यहाँ 1 हरी मिर्च और 1/4 कप में कैप्सिकम चॉप डाल रही हूँ। अब इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे कर लेते हैं ट्रांसलूसेंट होने तक। यहाँ पे हमारा अनियन और कैप्सिकम अच्छी तरह से ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 4 बॉइल्ड आलू डाल रही हूँ। इसे मैंने पहले से ही मैश कर लिया था। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी आलू अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, आप मसाला अपनी पसंद का डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, अब नमक स्वाद के अनुसार डाल लेते हैं। अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे कुछ धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ चॉप, इन्हें भी डाल के मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, तब हम इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो आइए, अब हमारे आलू अच्छी तरह से ठंडा हो चुके हैं। अब हम आलू को एक ट्रायंगल शेप देंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह कर रही हूँ। एक छोटा सा आलू ले लीजिए और उसे गोल करके हल्का सा चपटा करके एक ट्रायंगल शेप दे देंगे। तो इसी तरह करके सारे स्टफिंग से बना लेंगे। हमारी 4 तैयार हो गए हैं टिक्कियाँ। अब मैं यहाँ पे 2 बची हुई रोटियाँ ली हूँ। आप बची हुई रोटियों की जगह फ्रेश रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब 1 रोटी ले लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मायो डाल रही हूँ, मायोनेज। अब इन्हें अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। 1 चम्मच में डाल रही हूँ सेज़वान चटनी, आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इससे थोड़ा स्पाइसी टैंगी टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने डाला है। अब मैं इसे सेंटर से फोल्ड कर रही हूँ रोटी को, और अब बीच में हाथ रख के इसे इस तरह मोड़ लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हो गया। अब 2 टिक्की ले लेते हैं आलू की। अब मैं यहाँ पे 1 ग्लास ले रही हूँ, आप कटोरी ग्लास कुछ भी ले सकते हैं इसे रखने के लिए। रोटी का 1 फोल्ड खोल के 1 टिक्की डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे अंदर के साइड। इसी तरह दूसरा फोल्ड खोल के 2 टिक्की डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह प्रेस कर रही हूँ, इसी तरह करना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा टैकोस रेडी हो गया सैलो फ्राई करने के लिए। इसी तरह जो दूसरी रोटी है उसको भी बना लेते हैं। हमारे दोनों टैकोस रेडी हो गए हैं सैलो फ्राई करने के लिए। अब मैं गैस पे तवा रखी हूँ, यहाँ पे 1 चम्मच में ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब अपनी टैकोस को हम तवे पे रख लेते हैं दोनों।
और अब हम इन्हें चारों तरफ से अच्छी तरह से पका लेंगे। आप देखेंगे कि इसका कलर काफ़ी बढ़िया हो जाएगा और काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसे हर साइड से अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसे हम क्रिस्पी कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टैकोस बनाने में हमें 2 से 3 चम्मच सिर्फ ऑयल लगा है, इससे ज़्यादा नहीं लगा है। हमारे घर में अक्सर रोटी बच जाती है तो हमें समझ नहीं आता कि हम सब क्या बनाएं, या तो हम फेंक देते हैं या तो समझ नहीं आता कि क्या बनाएं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब इसे चारों तरफ से हम इसी तरह पलट के हर तरफ से इसे पलट के हर तरफ से इसे फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का तेल लगा के। तो ये टाकोस जो है ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, अपने ज़रूर सर्व करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं कि टाकोस हमारा चारों हर तरफ से काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है और बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो आइए इसे कुछ गार्निश कर लेते हैं कुछ प्याज के साथ। अगर आपको प्याज नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हम कुछ अनियन डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, तो इसे हम दबा दबा के डाल लेते हैं ताकि अंदर से चला जाए। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और करारे होते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच टमाटो केचप डाल रही हूँ। आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं बिना इसे गार्निश किए। मैं थोड़ा गार्निश कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे, और ये खाने में तो अच्छा है ही, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और टैंगी है। अब जो हमने भुजिया लिया है इसे लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह लगा रही हूँ। आप भुजिया की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह भी खा सकते हैं, तो सफ़ेद तिल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे टाकोस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए है ना बिल्कुल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब देखने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।